प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं कक्षा तीसरी के व्याकरण खंड से वचन क्या है इसकी परिभाषा एवं कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम वचन की परिभाषा को देख लेते हैं। तो वचन की परिभाषा इस प्रकार से है, जिन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है। इसे ध्यान से सुनिएगा, जिन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है उन्हें हम एक वचन कहते हैं, और जिन शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। इस परिभाषा को ध्यान से हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जिन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है उन्हें हम एक वचन कहते हैं, एवं जिन शब्दों से अधिक संख्या का बोध होता है उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। तो वचन यहाँ दो प्रकार से निकल गया है, एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन के अंतर्गत जिन शब्दों से, मतलब कोई भी शब्द हो सकते हैं, उससे एक ही चीज का बोध होता है। कितनी चीजों का बोध होता है? एक ही चीज का, उसे हम एक वचन कहते हैं। और जिन शब्दों से बहुत सारी चीजों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे एक चीज हो गया, जैसे अपन उदाहरण के लिए एक छोटा सा यहाँ पर ले लेते हैं, समोसा। मैं यहाँ पर खाली समोसा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, और उसके बाद समोसे। तो जैसे एक समोसा है तो हम उसको खाली समोसा बोलेंगे, और जैसे बहुत सारे समोसे हैं तो उसे हम समोसे कहेंगे, है ना। तो इसे हम आगे चित्रों के माध्यम से और अच्छे से स्पष्ट करेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम चित्रों की सहायता से एक वचन एवं बहुवचन को समझेंगे। तो सबसे पहले चित्र में देखिए कि एक लड़का है, और उसके दूसरी चित्र में वहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं। तो जो लड़का है उसके ऊपर में लिखा हुआ है लड़का, ध्यान से पढ़िए, और जो बहुत सारे लड़के हैं वो उसके ऊपर में लिखा हुआ है लड़के। तो ये अंतर देख लीजिए, जो एक वचन है वो लड़का, और जो बहुत सारे हैं वो लड़के। वैसे दूसरे चित्र में एक बस्ता है तो उसे हम बस्ता कहेंगे, और उसके बाजू वाले चित्र में बहुत सारे बस्ते हैं तो हम उसे बस्ते कहेंगे। तो जो एक है वो बस्ता और जो बहुत सारे हैं वो बस्ते। इस प्रकार से आगे के उदाहरण में और हम देखते हैं। अब इस चित्रों में देखिए, केवल एक रसगुल्ला है, और दूसरे चित्र में देखिए प्लेट बहुत सारे रसगुल्ले हैं। तो जो एक रसगुल्ला है उसे हम कहेंगे रसगुल्ला, ये एक वचन हो गया, और जो बहुत सारे हैं उसे हम कहेंगे रसगुल्ले, ये हो गया बहुवचन। दूसरे चित्र में देखिए एक बकरी है, ये हम उसे कहेंगे एक वचन बकरी, और जो बहुत सारी फिर दूसरे चित्र में बकरियाँ हैं उसे हम कहेंगे बहुवचन में बकरियाँ। अब यहाँ पर हम चित्रों में देखेंगे, पहले चित्र में एक मिठाई है तो इसे हम एक वचन कहेंगे और मिठाई। दूसरे चित्र में देखेंगे बहुत सारी एक प्लेट में मिठाइयाँ हैं, इसको हम मिठाइयाँ कहेंगे। दूसरे चित्र में अपन देखेंगे कि एक खिड़की है, और फिर दूसरे चित्र में देखेंगे बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। तो जो एक चित्र है उसे हम खिड़की का, जो एक चित्र है उसे हम खिड़की कहेंगे, और जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं उसे हम खिड़कियाँ कहेंगे, है ना। यहाँ पर बच्चों एक वचन और बहुवचन के कुछ शब्द दिए हैं, इनको तुम्हें आपस में मिलकर समझना है, और एक वचन को बहुवचन में बदलना है, और बहुवचन के शब्दों को एक वचन में बदलना है। जैसे सबसे पहले दिए हुए बहुवचन में बदलने के लिए शब्द जो दिए हैं मैं एक बार आपके सामने दोहरा देता हूँ, लड़की, पेड़, कापी, कपड़ा, इन्हें हमको बहुवचन में बदलना है, तो आप सभी बदलेंगे इसको। दूसरा है उसे एक वचन में बदलना है, जैसे टोपियाँ, कुर्सियाँ, गाड़ियाँ, बच्चों, इसे हमको एक वचन में बदलना है, है ना। तो आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार।